आज नहीं जाएगी यार। बीती रात हमारे निरीक्षक तिवारी पांडे, एसएसआई के जगमोहन राय, कांस्टेबल जितेंद्र और क्यूआरटी की जो टीम थी तलाशी वलाशी कर रहे थे, सभी को वस्तु व्यक्ति की कर रहे थे। दो व्यक्ति इनको प्लेटफॉर्म नंबर 4 में मिले, पुलिस को देखकर भागने लगे, उनको पीछा किया, पकड़ लिया। पूछताछ पर उन लोगों के पास से अफीम मिली करीब, एक के पास से 10 किलो और एक के पास से 9.5 किलो। पूछताछ पर उन लोगों ने बताया कि शायद अफीम या बिहार से कोई लेके आ रहे थे और इनको दिल्ली पहुंचाना था, वहाँ एक राजकुमार नाम का व्यक्ति मिलता जो निश्चित स्थान पर इनको स्थान दिया गया था, पहले बताया गया था, बाद में समय समय पर स्थान इनको बदलते रहते हैं, तो उनको मिलता और उसको इनको डिलीवरी देनी थी और उसके बाद जो कुछ पैसा हो जाता वो ले करके आना था, इसी में इनकी गिरफ्तारी। और क्या क्या बरामद की हुई? इनके पास से पीली धातु के रूप में हार है, गले की चेन है, कान के कप्स हैं, हाथ के कंगन हैं, नाक के आइटम है, 5-7 आइटम सोने के जैसे लग रहे हैं, पीली धातु के बरामद हुए और 2 आइटम चांदी के बरामद। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये दोनों अभ्यस्त अपराधी हैं, पहले इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से ये पहले ट्रेनों में चोरी वगैरह करते थे, क्योंकि अभ्यस्त अपराधी हैं तो अभ्यस्त अपराधी कुछ भी कर सकता है, तो पहले हो सकता है कि इनको कुछ कम मिलता रहा हो और इन्होंने फिर अफीम वाला धंधा भी शुरू कर दिया, जो अफीम इनके पास से बरामद है 10 किलो 9.5 किलो, बहुत बड़ी बरामद की है। वैसे पूछताछ पर इन्होंने इसी साल 2016 में मुगल सराय क्षेत्र में भी चोरी की 4 घटनाओं का इकबाल किया है, जिसके मुकदमे डीएच के रूप में आकर के हमारे यहाँ कायम है मुगल सराय, और उससे संबंधित करीब 54,500 रुपये इनके पास से।